मैं एक महिला हूँ अंदर से, पर शरीर से पुरुष हूँ और एक पुरुष सहभागी के साथ रहती हूँ। आपको क्या लगता है कि हम इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे दोस्त, लिंग पहचान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम सब लोग अपने आप को, चाहे वह हम महिला हो, पुरुष हो या दोनों हो, पहचान सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जन्म से जिस लिंग को लेकर पैदा हुए हैं वही आपकी पहचान है, तो इसे हम सिस जेंडर कहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक ऐसे पहचान में बंधे हुए हैं, लिंग पहचान में, जो आपकी लिंग नहीं है, तो इसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। आपके लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसजेंडर है, यानी आपको लगता है कि आप जिस लिंग पहचान के साथ अपने आप को महसूस करना चाहते हैं वो आपकी पहचान है ही नहीं। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पहली चीज़ है, कि आप अपने आप को स्वाभाविक प्रक्रिया में अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को महसूस करें। और जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ मेरे दोस्त, वो ये है कि हर किसी को हक है कि वो अपनी लिंग की खुद पहचान कर सके। तो अगर आपने अपने लिंग की पहचान की है, अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ पहचान करते हैं सही है, तो बिल्कुल सही है और सटीक है ये आपके लिए। हाँ, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को ये ज़रूरी है अपने लिंग को पहचानना, क्योंकि अगर आप एक बार अपने आप को पहचानते हैं तो ये आपको आत्मविश्वास देता है, आपको आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है, और ये आत्मविश्वास आपको जीने की नई राह दिखाता है। आप किसी भी तरह से कोई भी पार्टनर अपने लिए चुने, इससे उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो ये है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें और दोनों एक दूसरे के सम्मान करें, एक दूसरे की लिंग पहचान का सम्मान करें। बिल्कुल सच है कि कोई भी लिंग पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जिस लिंग में हैं वो आपकी पहचान नहीं, तो ये भी उचित है। अगर आप सब इस तरह की किसी भी चीज़ से लगता है कि समाज में जकड़े हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपका दोस्त कन्फेशन बॉक्स है ना, मैं हूँ आप सबके लिए। आप सबको इससे संबंधित किसी भी तरह से उत्तर की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर एक बार कन्फेशन बॉक्स को नॉक कर सकते हैं। नॉक नॉक। धन्यवाद।